लास्ट क्लास आपका जब नया टॉपिक आता है वो आता है द स्ट्रगल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब इसमें टॉपिक आता है आपका, ठीक है, आपका जो आता है नया टॉपिक सफरेज मूवमेंट आता है। सफरेज मीन्स द राइट टू वोट इन द इलेक्शन। मतलब इसका मतलब होता है कि हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फॉर लॉन्ग टाइम वुमेन्स वर डिनाइड द राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन ऑन द ग्राउंड दैट वुमेन्स प्लेस वॉज एट होम एंड शी हैड नो रोल इन पॉलिटिकल स्पेयर। इसका मतलब था कि उन्हें किसी भी पॉलिटिकल स्पेयर में एंटर नहीं होने दिया जाता था, ना ही वो वोट दे पाते थे, ना इलेक्शंस में वो बैठ पाते थे। तो वुमेन्स के लिए कोई राइट नहीं थी। उसी चीज़ को लेकर द फाइट फॉर वुमेन्स के लिए फाइट लड़ी गई थी। राइट टू वोट बिगिन इन फ्रांस में हुआ था कि शुरुआत हुई थी इस चीज़ की कि वुमेन्स को भी वोट डालने दिया जाए। तो 1780s या फिर एंड 1790 में ये फ्रांस में शुरुआत हुई थी। और ब्रिटेन में कब हुई थी, मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में 1870s में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम क्या है। इन 1897 द नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन सफरेज सोसाइटी एक बनाई गई, जिसमें जो थी वो यूके में फॉर्म्ड हुई गई थी। विच रोट लेटर टू पॉलिटिशियन, मतलब एक लेटर लिखा गया पॉलिटिशियंस के लिए। हेल्ड द पब्लिक मीटिंग अरेंज करवाएगी, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट किया गया, मार्च निकाले गए, डिमांड की हुई कि वुमेन्स को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। पहले के टाइम पे सिर्फ वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था, सिर्फ मैन को ही था। तो इसी चीज को लेकर काफी सारी स्ट्रगल हुए, संघर्ष किया गया, लड़ाइयां हुई थी। तो 1980s में वुमेन ओवर 30 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी उम्र जो 30 ईयर्स से ऊपर होगी, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, वर गिवन द राइट टू वोट। उन्हीं को ही वोट डालने का अधिकार मिला था। ठीक है, और किन्हों को मिला था, जो 30 साल से ऊपर होंगी, प्रॉपर्टी होगी, एजुकेशन उनके पास होगी, पढ़ी लिखी होंगी, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इंडिया का, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि चाहे वो मैन हो वुमेन हो, तो अबव द एज ऑफ 18 ईयर, जिसकी जो उम्र है 18 साल की हो या 18 साल से ऊपर हो, वो वोट दे सकता है, इलेक्शंस में अपना वोट जाके दे सकता है। ये तो था पूरा कि किस तरह से वुमेन्स को अधिकार मिला था वोट डालने का। अब आता है एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। इसमें क्या था, काफी लंबे समय से फ्रॉम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपार्थराइज वॉज प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका में हुआ था बाय द वाइट गवर्नमेंट जो थी। इसमें क्या था कि जो वाइट एंड ब्लैक कलर के जो लोग थे, मतलब गोरे और काले, तो गोरे लोग जो थे वो काले पे अत्याचार कर रहे थे, उनके साथ भेदभाव कर रहे थे। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका में चला था। अ पॉलिसी ऑफ जो थी पॉलिसी इनकी वाइट एंड ब्लैक्स की, हैड टू लिव इन सेपरेट एरिया। वो कहते थे गोरे और जो काले लोग हैं, वाइट एंड ब्लैक जो लोग हैं, उनको सेपरेट एरिया, अलग एरिया उनको देना चाहिए, उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए, कोच अलग होने चाहिए, मार्केट अलग होनी चाहिए। द ब्लैक्स डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, और जो ब्लैक जो काले लोग थे उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, और किसी भी पार्टिसिपेट वो पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड जो थे, इसमें आता है एक नेल्सन मंडेला आते हैं, जिन्होंने इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रगल किया था। उनका फिगर आपको फोटो भी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, स्ट्रगल किया था अगेंस्ट अपार्थाइड के, कि नहीं सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सबको, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई, जिसमें वो लीडर खुद ही थे नेल्सन मंडेला। उसके बाद क्या हुआ, जिसके कारण उन्हें 27 ईयर्स तक उनको जेल जाना पड़ा था। फिर 1990 में उनको वहाँ से रिहा करवाया गया, रिलीज हुए थे। फिर उसके बाद 1994 में नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्ट हुए थे फर्स्ट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनकी वहाँ पे पहले गोरों का राज था। ठीक है, तो बाद में क्या, वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो थे वो साउथ अफ्रीका के ही थे। ठीक है, तो ये तो फिर उन्होंने कहा था कि जो अपार्थाइड है, ये जो हम जो ये गोरे लोग जो अत्याचार कर रहे हैं कालों के ऊपर, काले लोगों के ऊपर, उनको खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने वो खत्म किया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन चुके थे उस टाइम पर। ठीक है, ये तो था नेल्सन मंडेला के ऊपर। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है इसमें। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसमें हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये डेमोक्रेसी, और हम कह सकते हैं कि ये जो है लोगों की ही सरकार होती है। एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री हैज़ टू राइट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अफेयर ऑफ कंट्री। मतलब ये था कि लोगों को वोट देने का अधिकार भी दिया गया, जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे कंट्री के अंदर, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट, कोई भी जो नागरिक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहीं पर आपका जो है चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। ओके।